आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। झारखंड में पिछले कुछ समय से बलात्कार और हत्या जैसी घटनाओं में इजाफा हुआ है। एक ऐसी ही घटना गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र के बैदा बहरी गांव में सामने आई है, जिसमें तीन युवकों ने मैट्रिक की नाबालिग छात्रा के साथ पहले गैंगरेप किया, उसके बाद गला दबाकर उसे गांव के ही कुएं में फेंक कर हत्या कर दी। इसमें एक आरोपी मोहम्मद कैफ को पुलिस ने सोमवार को ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसे बुधवार को जेल भेज दिया गया, जबकि दो आरोपी मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद फारूक अब भी फरार बताए जा रहे हैं। मृत छात्रा की मां ने कैफ, फारूक और आरिफ तीनों के खिलाफ सोमवार को ही घर से अपहरण कर लेने, तीनों आरोपियों पर एक साथ मिलकर गैंगरेप करने और हत्या की नीयत से गला दबाकर कुएं में फेंक देने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया था। बताया जाता है कि छात्रा के साथ तीनों दरिंदों ने मिलकर दुष्कर्म किया, उसके बाद उसकी हत्या कर शव को कुएं में डाल दिया। सोमवार की सुबह छात्रा का शव गांव के कुर्बान अंसारी के कुएं से बरामद किया गया। दावा है कि कुएं से निकालने के समय छात्रा जीवित थी, इलाज के दौरान ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण पुलिस कुछ भी कहने से इनकार कर रही है, लेकिन छात्रा हत्याकांड मामले में मां द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर बिरनी पुलिस ने हत्या का गैर जमानती धारा 302, दुष्कर्म की धारा 376 और पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर मुख्य आरोपी मोहम्मद कैफ को सोमवार की शाम को ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी बिरनी के एक ही गांव कुस्सा के रहने वाले हैं। मंगलवार को पूछताछ के दौरान पुलिस कैफ को लेकर गांव के उसी कुएं के पास पहुंची, जहां से छात्रा का शव बरामद किया गया था। घटना को लेकर परिजनों और रिश्तेदारों में गुस्सा है, तो गांव के लोग भी आक्रोशित हैं। इधर जिले के कई हिस्से में बुधवार की शाम घटना के विरोध में मशाल जुलूस निकाले जाने की बात कही गई है। विभिन्न संगठनों ने सभी आरोपी को गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। नुनिया को इधर उधर नहीं देखती, सोच गई हंस नहीं आ रही है तो कुआ कुआ इधर उधर सोचे जाके अगल बगल के भैया लोग थे उन लोग को उठाए, उसी फोन में रिंग करने लगे क्योंकि वो बोला मोबाइल में 86 84 04 81 44 नंबर है, उसमें रिचार्ज नहीं है। हम जो कॉल कर रहे थे वो 95 88 51 63 13 से हम कॉल लगा रहे थे। हम बहुत बार जब तक स्विच ऑफ नहीं हुआ कॉल लगाते रहे, रिंग हो रहा था लेकिन दूसरे के मोबाइल था इसलिए कॉल उठा। उसको एकदम दरिंदगी से मारने के हैसियत से ही लेके गया, फिर हम लोग इधर उधर ढूंढने लगे, सब कोई नहीं आया। तब तो हम लोग उधर ढूंढ ही रहे थे, तब तो उधर से सूचना आई, कौन बताया नहीं बताया ऐसे कोई जानकारी नहीं है सर, लेकिन सूचना आई कि कुर्बान मियाँ के कुइयाँ में आपकी बच्ची है। हम लोग यहाँ से गए 4-5-6 लोग, देखे कि वहाँ कुइयाँ में है, वहाँ यतीम अंसारी, हम लोग के सामने समझ लोग निकाले कुआं से बच्ची हाथी मर सारी, वो वहाँ से निकाले। फिर हम लोग देखे कि बच्ची तो पूरा कंडीशन बिल्कुल नजर था, जैसे कि ऐसे में घरघरा रही थी, मुंह से लार आ रहा था इसे में। वहाँ से रुखसाना एक उसकी लड़की मतलब सहेली होगी या लड़की है बच्ची है कोई भी होगी उसी गांव की, वही बिठा के थोड़ा दूर लाया। तमाम साथियों, आज ये 28 तारीख की रात की घटना है और 29 तारीख को मॉर्निंग में इन तीन दरिंदों ने, जो अफजल नाम है, सैफ है और तीन लड़का है जो साजिद, ये तीनों लड़का मिलकर के मिथिलेश सिंह की बच्ची जो भरकट्टा के बैदा पहरी के निवासी है, उनके बच्ची को उठा कर ले जाना और उनके साथ गलत संबंध करना और उसको कुआं में डाल देना। इत्तेफाक से लोग पहुंचे
और वो जीवित अवस्था में कुआं से निकाल कर उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इन तीनों दरिंदों ने इनके साथ बलात्कार किया। क्या ये हमारा सनातनी धर्म यही कहता है कि हमारे साथ बलात्कार होता चला जाए और हम मुख्य दर्शक बनकर बैठे रहें? ये कहाँ का नियम है? हम वर्ग विभेद में बटे हुए हैं, हम समाज की बात नहीं करते हैं, हम वर्ग की बात करते हैं। इसीलिए हम कई वर्गों में बटे हुए हैं जिसके चलते हमें एकता की भावना नहीं आती है। और वो जिहाद करता इसलिए है कि वह एक समाज के तरफ से वो आता है, इसलिए समाज की बात करता है और समाज में घिरता है। हम लोग आपस में लड़ करके इधर उधर बटे हुए रहते हैं। इसलिए मैं तमाम बगोदर नहीं पूरे भारतवासियों के हिंदू समाज के तमाम साथियों से मैं अपील करूँगा। बुजुर्ग आज गिरिडीह जिला के अंतर्गत बिरनी प्रखंड के बैदापहरी में जो यह कुकृति जो घटना लव जिहाद को लेकर घटा, इसमें आज विश्व हिंदू परिषद बैरंग दल और तमाम हिंदूवादी संगठनों द्वारा मिलकर के एक आक्रोश जनसभा का आयोजन किया गया। और यह हम सभी बैरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हिंदू संगठन हैं, सभी यह मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से कि जो दो आरोपी भी बाहर चल रहे हैं उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, नहीं तो इससे भी बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि यह घटना पूरे देश में है और पूरे देश के लिए बहुत बड़ा शर्मनाक है। और यह जो लव जिहाद का मामला पूरे देश में चल रहा है, यह बहुत ही सर्जन के तहत हिंदू बहनों को, हिंदू बेटियों को बहला फुसला करके अपना नाम हिंदू बता करके और इस तरह से लव जिहाद में फंसाते हैं। और उनका यही होता है जो अंततः आपको कई जगह सुनने को देखने को मिल रहा है। और वही घटना आज हमारे बिरनी प्रखंड में घटा है। और यही घटना को लेकर आज हम लोगों ने इतना बड़ा जन आक्रोश आपसे भी देखे होंगे, मसाद जुलूस निकाले। और निकालने के बाद प्रशासन पुलिस को यह मैं आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द बच्चे आरोपियों को गिरफ्तार करें, नहीं तो 72 घंटे के बाद पुनः हम लोग फिर से इसी जगह पे इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। उसका इस मामले में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में जिहादी मानसिकता वाले लोगों के द्वारा लगातार हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। विकृत मानसिकता वाले लोगों के द्वारा हिंदू बेटियों को जलाया जा रहा है, फांसी पर लटकाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। जो मुख्यमंत्री राज्य की बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। रेडी के बैदापहरी गांव में मोहम्मद कैफ अंसारी और मोहम्मद आशिक अंसारी ने एक बार फिर से एक हिंदू छात्रा जो नाबालिग है उसके साथ गैंग रेप किया और उसकी हत्या कर उसके शव को कुएं में डाल दिया। पूरे इलाके में उबाल है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लगातार एक विशेष समुदाय के कुंठित मानसिकता वाले जिहादी लोगों के द्वारा हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उनका धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला जा रहा है, उनका शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, तो मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से, अगर आप बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते तो आपको सत्ता में बना रहने का कोई हक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही की बात है कि मुंबई की एक मॉडल ने रांची के तनवीर पर आरोप लगाया था कि उसने यश बनकर उसका शोषण किया। और इसी तरह की घटना अंकिता की हुई थी जिसे जलाकर मार दिया गया था। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में हजारों बेटियों को इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने टारगेट किया है। लेकिन लगता है इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों को इस सरकार में अपना अपना सरकार वाली फीलिंग आती है, इसलिए इन्हें कुछ भी नहीं हो रहा और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार चुपती दिख रही है। हम मांग करते हैं कि ऐसे वैश्य दरिंदों का इनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाया जाए, इनको फांसी की सजा दी जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी तुष्टिकरण के धुन में मस्त है और इन्हें ऐसे चीजों से कोई लगता मतलब ही नहीं, जो बेहद ही शर्मसार करने वाला है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।